प्यारे बच्चे, चलिए हम लोग चलते हैं 10th क्लास की साइंस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर में पढ़ रहे थे, वहां पे हम एक टेबल में उत्तल दर्पण द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब का साइज, प्रकृति, स्थिति के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। अब हम लोग उसके आगे पढ़ते हैं, यानी कि उसके आगे हम लोग यही पढ़ेंगे कि जो प्रतिबिंब की स्थिति है, प्रकृति है, उसकी साइज है, उसका आरेख कैसे खींचा जाता है उत्तल दर्पण के लिए। प्यारे छात्रों, तो चलिए अब जो टॉपिक देंगे, लिखेंगे उत्तल दर्पण द्वारा, उसके आगे उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का आरेख, बनने वाले प्रतिबिंब का आरेख। आरेख का मतलब ग्राफ, और हमेशा प्यारे बच्चों ये जब भी ग्राफ व्हीकल ड्रॉ किया जाता है उसको बिल्कुल पेंसिल से आपको बनाना है इस टॉपिक्स के नीचे। यानी कि इसमें हम लोग यही देख रहे हैं कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बन रहा है उसको आरेख के द्वारा कैसे दिखाएंगे, और हम लोग को तो इसमें दो ही डायग्राम बनाना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि इसका दो ही कंडीशन होता है, एक अनंत पे रहेगा तब और एक अनंत और पी के बीच रहेगा तब। तो चलिए आइए देखते हैं कि उसका आरेख कैसा होता है। चलिए देखते हैं, इसमें दो केस है। तो पहला केस अभी हम लोग देख रहे हैं जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पे हो। जब वस्तु, प्यारे छात्रों, अनंत पे रहेगा तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ जब कहां बनेगा, जब वस्तु अगर अनंत पे हो तो प्रतिबिंब कहां बनने वाला है, जब वस्तु अनंत पे हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो फोकस पे। अब उसका डायग्राम आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले ये जो दर्पण है अवतल दर्पण है, क्योंकि इसमें अंदर का भाग कलई किया हुआ है, इसमें परावर्तक सतह आगे की ओर है, यानी कि जैसे ही हम लाइट को मारेंगे तो ये आगे, यानी कि जैसे हम लोग मिरर में चेहरा देखते हैं ना, तो चेहरा जिधर देखते हैं वो उधर ये साइड है, और जिधर पुताई किया रहता है ये पुताई वाले पार्ट से है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दर्पण, उत्तल दर्पण का इधर वाला भाग आगे का हो गया और इधर वाला भाग पीछे वाला भाग हो गया। अब इसमें प्यारे बच्चे हमको ये बोला जा रहा था कि वस्तु कहाँ है, अनंत पे है। तो देख पा रहे होंगे कि ये जो रेखा आ रही है, ब्लैक वाली लाइंस, ये कहां से आ रही है, तो अनंत से आ रही है। और जैसे ही उत्तल दर्पण पे टकरा रही है तो टकराने के बाद ये आगे की ओर मुड़ रही है, देख रहे हैं, ये भी टकराने के बाद आगे की ओर, मतलब कि दर्पण के आगे की ओर मुड़ रहा है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जब इस लाइन को पीछे की ओर मिलाया जाएगा, यानी कि यही हो गया आभासी, आभासी का मतलब काल्पनिक, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जब इसको पीछे अगर खींचा जाए, ये जो परावर्तक होने के बाद जब आगे की ओर मुड़ा, ऐसा माना जा रहा है कि अगर उसको पीछे की ओर खींचा जाए तो यहां, और इसको पीछे की ओर खींचा जाए तो यहां। यानी कि याद रखिए, उत्तल दर्पण में जब कहीं भी वस्तु अनंत पे हो तो कहां पर बनता है, फोकस पर, और फोकस कहां है ये, तो दर्पण के पीछे। यानी कि आरेख एक ऐसा पार्ट होता है एक लॉजिक का, जहां पे सब यहां पे आपको दिख रहा है। कैसे, जब वस्तु अनंत पे है तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है, फोकस पर, और ये फोकस कहां है, दर्पण के आगे कि दर्पण के पीछे, तो दर्पण के पीछे, क्योंकि आगे तो नहीं ना कभी कटेगा, आगे देख रहे हैं, ये आगे चला जाएगा, ये आगे चला जाएगा, तो कभी कटेगा नहीं। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि परावर्तित किरणें को अगर पीछे मिलाया जाए तो वो एफ बिंदु पर, यानी कि एफ माने फोकस पर, दोनों मिलेगा, कटेगा, और यहीं पर इमेज बनेगा। और कैसा इमेज बनेगा, कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो बिल्कुल ही छोटा, एकदम बिंदु के आकार का। और कैसा बनेगा, तो आभासी, आभासी इसलिए क्योंकि कल्पना करके ये लाइन को मिलाया जा रहा है, देख रहे हैं, ये लाइन को कल्पना करके मिलाया जा रहा है कि यहाँ पे मिलेगा, एक संभावना है, ठीक है, इसलिए आभासी और सीधा बनेगा। जहां पे भी देखिए, एक रूल है कि जहां पे भी अगर आभासी बनेगा ना, आभासी, आभासी मतलब काल्पनिक, तो हमेशा सीधा ही बनेगा प्रतिबिंब,
अगर वास्तविक होगा तो जब भी वास्तविक होगा तो उसके साथ आपको उल्टा बोलना है, यानी कि आपको मेन चीज वास्तविक और आभासी समझना है। प्यारे छात्रों, आभासी कब होता है? जब दर्पण के पीछे होता है। जब भी दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बने तो आप आभासी बोल दीजिए, और आभासी के साथ साथ आपको सीधा भी बोलना है। अगर यही दर्पण के आगे रहता तो हम उसका नाम वास्तविक, और वास्तविक के साथ हम उल्टा बोल देते कि वास्तविक और उल्टा प्रकृति है। तो प्यारे छात्रों, ये फर्स्ट केस का डायग्राम था जब वस्तु कहां हो, अनंत के हो। वैसे ही चलिए अब आते हैं सेकेंड केस। सेकेंड केस क्या है? जब वस्तु अनंत और पी के बीच हो। याद रखिए, देखिए ये ध्रुव है, ये तो मुख्य अक्ष हुआ ना, हम लोग पढ़े थे पहले कि ये दर्पण का क्या है, मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष को, दर्पण को जिस बिंदु से गुजरता है मुख्य अक्ष, वो तो ध्रुव होता है, पी होता है। तो चलिए अब आगे आते हैं, अब हम लोग दूसरा केस सीखते हैं कि जब वस्तु अनंत पर हो और पी के बीच हो तब उसका आरेख कैसे खींचेंगे। चलिए, तो एक केस नंबर टू है, दूसरा केस है, दूसरा सिचुएशन है, जब वस्तु कहां है, अनंत और पी के बीच है। इस बार जो वस्तु रखे हैं, वस्तु का नाम क्या है प्यारे बच्चों, ओए एक वस्तु है जो कहां रखा हुआ है, तो अनंत तो इधर ना है और पी यहां है, तो अनंत और पी के बीच, अनंत इधर हो गया और पी यहां है, तो अनंत और पी के बीच एक वस्तु ओए रखे हैं। ओए क्या है प्यारे बच्चों, ओए एक वस्तु है, और अगर अनंत और पी के बीच अगर वस्तु को रखेंगे तो कहां बनेगा, जरा वो समझिए प्रतिबिंब। तो सबसे पहले यहां से याद रखना पड़ेगा कि दुगो किरण निकलता है, एक समानांतर मुख्य अक्ष के समानांतर किरण निकलेगा, तो ये परावर्तक सतह से लौटेगा, और ऐसा माना जा रहा है कि जब इसको हम लोग पीछे की ओर मिलाएंगे तो फोकस पर मिलेगा, क्योंकि मुख्य अक्ष के समानांतर किरणों को अगर गुजारा जाए तो टकराने के बाद वो किससे गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है। तो देख पा रहे हो कि फोकस तो आभासी, आभास ऐसा कल्पना किया जा रहा है कि फोकस से होकर गुजरेगा, रियलिटी तो इधर गुजर रहा है। अच्छा, एक और किरण आपको याद रखना पड़ेगा जो सेंटर से जाकर मिलता है, यानी यहां से एक किरण निकलेगा तो डायरेक्ट सेंटर से, सेंटर पे जाएगा, और चूंकि हम लोग जानते हैं कि सेंटर से लेके ये उत्तल दर्पण है, क्योंकि हम लोग उत्तल दर्पण का ही आरेख सीख रहे हैं, तो उत्तल दर्पण का ये केंद्र है, और उत्तल दर्पण का जो केंद्र है तो केंद्र से पर आने वाली जो रेखा होगी वो अपने पथ पर वापस मुड़ जाती है, यानी कि इससे जो सेंटर पर आने वाली किरण है उसी रास्ते पर वापस मुड़ जाएगी, यानी कि यहां सेंटर पर आएगी तो सेंटर से ही, सेंटर उसी रास्ते पर ही वापस मुड़ेगी। तो ये रेखा को आपको याद रखना पड़ेगा, और ये ब्लू वाला लाइन और ब्लैक वाला लाइन जिस बिंदु पर कट करता है, तो यहां पे कट किया, जी हाँ देख पा रहे होंगे यहां पे, तो यहां से लेकर ये ओ डैश ए डैश एक क्या बन गया, इसका प्रतिबिंब बन गया, और यही है प्यारे छात्रों प्रतिबिंब का साइज। साइज के बारे में बोलेगा, ओ ए मेरा इतना बड़ा वस्तु था और बन रहा है इतना बड़ा प्रतिबिंब, इसका मतलब वस्तु से छोटा कि वस्तु से बड़ा, तो वस्तु से छोटा। यानी कि जब कभी भी सवाल आएगा कि उत्तल दर्पण में अगर कोई वस्तु को अनंत और पी के बीच रखा जाए तो हमारा प्रतिबिंब का साइज कैसा होगा, तो छोटा होगा। अच्छा, आप बताइए कि आभासी होगा कि वास्तविक? कह रहे बच्चों आभासी, क्यों? क्योंकि यह दर्पण के क्या बन रहा है, पीछे बन रहा है, और दर्पण का पीछे होता है उसी को आभासी बोलते हैं, और आभासी के साथ साथ आपको याद रखना पड़ेगा कि सीधा भी बोला जाता है, तो आभासी और सीधा, और कहां, तो दर्पण के पीछे, और किसके किसके बीच, तो पी तथा एफ के बीच। तो प्यारे बच्चों यही दो डायग्राम था जिसमें हम लोगों को ये सीखना था कि उसका डायग्राम कैसा बनता है। तो आज हम लोग डायग्राम को क्लियर कर लिए, अब चलिए आइए सीखते हैं कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहां कहां करते हैं, जैसे कि अवतल दर्पण का उपयोग पढ़े थे, तो अब हम लोग आइए और उत्तल दर्पण का उपयोग सीखते हैं। तो अब टॉपिक बनाया जाए, नेक्स्ट टॉपिक उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग, उसके नीचे एरो देंगे प्यारे बच्चों, उत्तल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित है,
उत्तल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित है। पहला, उसके नीचे से लिखेंगे, पहला वाहनों के पश्च दर्पण में, पश्च प आधा स्व उच्च और दर्पण में, वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण, सॉरी पश्च दृश्य दर्पण। अब इसका मतलब समझना है कि ये क्या है। प्यारे बच्चों, पश्च का मतलब होता है पीछे, दृश्य का मतलब होता है सीन, सीन, और दर्पण का मतलब होता है दर्पण। यानी कि पीछे वाला, जैसे मान लिया कि हम ऐसे गाड़ी चला रहे हैं और हमको पीछे का गाड़ी को देखना होगा, तो उसका गाड़ी यानी कि पीछे वाला जो भाग है उसको हम लोग देखने का काम करते हैं। यानी कि गाड़ी के जो साइड में लगा रहता है दोनों तरफ, ठीक है, चाहे बाइक के भी दोनों तरफ जो शीशा लगा रहता है ना दर्पण, वो है उत्तल दर्पण। उसका काम क्या है, तो पश्च दृश्य दर्पण का काम करता है, पीछे वाले भागों को देखने में काम करता है, पीछे वाले दृश्य को देखने में काम आता है। तो याद रखिएगा, पहला क्या, वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में, दूसरा किसी वस्तु को अपेक्षाकृत छोटा देखने में, किसी वस्तु को अपेक्षाकृत छोटा देखने में। हाँ बिल्कुल, आप देखे होंगे कभी बाइक के शीशे में, आप अपना कभी चेहरा देखिए, आपको बहुत दूर होने पर भी आपका चेहरा जो है ना छोटा दिखाई देता है, ठीक है। तो वहां पे हम लोग ये समझते हैं कि उत्तल दर्पण का उपयोग, दूसरा कहां, किसी भी वस्तु को छोटा देखना होगा ना, तो वहां पे भी हम लोग उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा लिखेंगे, स्ट्रीट लाइट में, स्ट्रीट, स्ट्रीट का मतलब होता है गली मोहल्ला, जो नबी नगर में नहीं, गली गली में वो लाइट लगा हुआ है, अभी नया वाला लाइट जो लग रहा है या फिर लगा भी है, वो होता है स्ट्रीट लाइट। जो स्ट्रीट मतलब गली, गली की सड़कें, और उसमें जो लगा हुआ लाइट है स्ट्रीट लाइट कहलाता है। तो उसमें भी प्यारे बच्चों याद रखिएगा, उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, तो स्ट्रीट लाइट में। और चौथा लिखिएगा, बड़े शॉपिंग स्टोर, शॉपिंग का ऐसे, ये चौथा है, बड़े शॉपिंग स्टोर में ग्राहकों के गतिविधियों को देखने में, ग्राहकों के गतिविधियों को देखने में। प्यारे बच्चों, अब तो ये बड़े बड़े शॉपिंग में नहीं यूज होता है, ये बहुत पहले का बात है, जब सीसीटीवी नहीं होता था तब। अब तो मान लिया कि कोई सड़ोलो पाकल जो भी दुकान है ओकरों में वो सीसीटीवी लटकावा लो, चले चाहे नहीं चले। हालांकि ये शॉपिंग बहुत समय पहले की बात है, जब सीसीटीवी नहीं होती थी, तब जो बड़ा बड़ा मॉल, बड़ी बड़ी जो दुकानें चलाता था, तो उसके मालिक क्या करता था कि उत्तल दर्पण पर जगह जगह उत्तल दर्पण लगा देता था। क्योंकि उत्तल दर्पण क्या करता है, बड़ा से बड़ा चीज को छोटा करके दिखाता है। तो अब हाँ याद रही, वो कैप्चर नहीं होता है, वो कैमरा नहीं है, वहां पे करंट देख सकते हैं। कैसे, शीशा में अगर आप चेहरा देखते हैं तो क्या वो रिकॉर्ड हो जाता है, नहीं, जब आप शीशा को लाइए तब दिखेगा, नहीं लाइए नहीं दिखेगा। वैसे ही गतिविधि, यानी कि जो भी उसके ग्राहक लोग आके खरीदारी करते थे, तो वो एक जगह पे बैठ के पूरा देख सकता है बस, कि कौन कहाँ है, कोई सामान उमान तो चोरी नहीं हो रहा है, सब ग्राहक अच्छे से आ रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये चीज को देखने के लिए जब सीसीटीवी नहीं था तो इस्तेमाल किया जाता था, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में, स्टोर में यूज किया जाता था। लेकिन अब ये यूजफुल नहीं है। हालांकि हम लोग को सीखना था कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं, तो बड़े बड़े शॉपिंग में ग्राहकों को गतिविधि को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। चलिए प्यारे बच्चे, अब उत्तल दर्पण के उपयोग को सीखने के बाद, जैसा कि आप जानते हैं हम अभी 10th क्लास के साइंस को पढ़ा रहे हैं, तो साइंस जो पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी की किताब से पढ़ा रहे हैं। तो एनसीईआरटी की किताब में आप उत्तल दर्पण के उपयोग के बाद बीच बीच में भी प्रश्न रहता है, आप जानते होंगे बीच बीच में प्रश्न रहता है, और प्रश्न में 3-4-5 क्वेश्चन दिया और फिर से पढ़ाई शुरू हो जाता है, और लास्ट जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है तब हमको अभ्यास का एक एक्सरसाइज करके क्वेश्चन आंसर मिलता है, और वो लास्ट हो जाता है उस चैप्टर का। यानी कि प्यारे बच्चे, जो
हम लोगों को बीच बीच में मिलेगा, यानी कि बुक के बीच में मिलेगा, उसको हम लोग प्रश्न के हिसाब से समझेंगे। जहां भी प्रश्न लिखा हुआ रहेगा तो समझिए कि ये बुक के बीच वाला में है, बीच वाला में से क्वेश्चन है। लेकिन जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तब हम उसको बोलेंगे कि अभ्यास। वो क्या हो जाता है, कौन सा क्वेश्चन होता है, अभ्यास का क्वेश्चन हो जाता है। अभी हम लोग प्रश्न वाला क्वेश्चन को करेंगे जो किताब के बीच में होता है। तो जिसके पास प्यारे बच्चे किताब है तो वो बिल्कुल वहां प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन वाले चैप्टर में उत्तल दर्पण का उपयोग है, उसके बाद ही तुरंत प्रश्न मिल जाएगा। अब जिसके पास किताब नहीं है उसके लिए हम क्वेश्चन भी बोलेंगे और आंसर भी बोलेंगे और समझाएंगे भी। तो चलिए, बुक में प्रश्न वाला का आंसर है तो पहला क्वेश्चन लिखा जाए। पहला क्वेश्चन थोड़ा तेजी से प्यारे बच्चे, पहला क्वेश्चन है अवतल दर्पण के मुख्य फोकस को, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस को परिभाषित कीजिए, मुख्य फोकस को परिभाषित कीजिए। चलिए इसका आंसर लिखेंगे। चार क्वेश्चन है प्रश्न जो है, इसके नीचे चार क्वेश्चन है और चारों क्वेश्चन को हम बारी बारी से पहले क्वेश्चन बोलेंगे फिर उसका आंसर बोलेंगे। इसलिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे के पास किताब नहीं हो तो उनको ये कमी नहीं खले। तो चलिए अब इसका आंसर लिखा जाए। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है कोमा उसे अवतल दर्पण के मुख्य फोकस कहा जाता है, उसे अवतल दर्पण के मुख्य फोकस कहा जाता है। चलिए तो अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि अवतल दर्पण में मुख्य फोकस को हमको परिभाषित कीजिए, अवतल दर्पण में मुख्य फोकस क्या है इसको आप समझाइए। तो इसका आंसर में पहले तो अवतल दर्पण समझिए। अवतल दर्पण वो न होता है जिसका बाहरी भाग कले किया रहता है, तो ये कौन सा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण। अब इसमें बोला जा रहा है कि अवतल दर्पण में आप बताइए कि इसका मुख्य फोकस क्या है, मुख्य फोकस को परिभाषित कीजिए। तो सबसे पहला तो कोई भी दर्पण हो उसका मुख्य अक्ष बना लेंगे। अब मुख्य अक्ष बनाने के बाद हमको पी भी मिलेगा, अब इसको बोलते हैं ध्रुव बोलते हैं। अब जब भी आने वाली, सॉरी इधर से तो नहीं, दर्पण के आगे से जब भी आने वाली प्रकाश की किरणें होंगी तो टकराने के बाद लौटेंगी, तो जिस मुख्य अक्ष के समानांतर न हुआ, ये मुख्य अक्ष है, इसके समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अगर यहाँ पे टकराने के बाद जिस बिंदु पर आकर मिलती है वही कहलाता है फोकस। तो आप फिगर को बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं, कोई इंपोर्टेंट नहीं है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर टू। टोटल प्रश्न का चार क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन लिखा जाए, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी, तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। पहले बच्चे चलिए हम लोग चलते हैं, यहां क्या बोल रहा है उसको समझने के लिए एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है बच्चों। यहां पे हम लोग को सॉल्यूशन करना है, एक न्यूमेरिकल दिया है। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि वक्रता त्रिज्या को R से सूचित करते हैं और फोकस दूरी को छोटा f या बड़ा f से भी सूचित किया जाता है। तो यहां पे बोल रहा है कि किसी भी गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या जो दिया है, यानी कि हम लिखेंगे दिया है कौन सी भाई, तो वक्रता त्रिज्या, यानी कि R का वैल्यू दे दिया 20 सेंटीमीटर, तो फोकस का मान निकालना है। तो हम पहले भी पढ़े हैं कि R माने वक्रता त्रिज्या और F माने फोकस दूरी, ये दोनों में दो को फॉर्मूला है, वो R बराबर 2F एगो F बराबर R बाय 2। तो इसमें से कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे प्यारे बच्चों, तो F का मान निकालना है तो F वाला फॉर्मूला लगेगा, इसलिए लिखिएगा चूंकि F बराबर
आर बाई टू, तो आर का मान कितना सवाल में दिया, वक्रता त्रिज्या का मान 20 सेंटीमीटर, तो यहां लिख देंगे 20 बटा 2, तो आंसर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहां से लिख लीजिए। अब इसको लिखने के बाद अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा जाए तीसरा क्वेश्चन है, उस दर्पण का नाम बताएं जो जो बिंब का सीधा तथा जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित का मतलब बड़ा, सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके, सीधा बने भी और आवर्धित भी बने, ऐसा कौन सा दर्पण है। तो इसमें क्वेश्चन बोल रहा है ऐसा दर्पण का नाम बताइए जिसमें आवर्धित बने और सीधा प्रतिबिंब बने, यानी कि ऐसा दर्पण कौन सा है। तो देखिए हम लोग तीन तरह का बेसिकली दर्पण सीखे हैं प्यारे छात्रों, पहले एक समतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। समतल में क्या होता है कि जितना आपका साइज है उतना ही साइज का रहेगा, और जितना उत्तल में क्या सीखे कि जितना साइज का रहेगा उससे छोटा इमेज करके दिखाता है, और अवतल ही एक ऐसा दर्पण है जिसमें आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। तो इसका आंसर लिख लिया जाए अवतल दर्पण, इसका आंसर लिख लिया जाए अवतल दर्पण। अब अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। लिखा जाए पहले क्वेश्चन, हम वाहनों में उत्तल दर्पण की पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। वरीयता का मतलब होता है इम्पोर्टेंस, महत्वपूर्ण क्यों है। यानी सवाल बोल रहा है कि गाड़ियों के जो पीछे वाला भाग को देखने के लिए आप उत्तल दर्पण का ही प्रयोग क्यों करते हैं, आखिर इसके लिए क्यों इम्पोर्टेंस है उत्तल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर लिखा जाए, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता देते हैं, इसके निम्नलिखित कारण हैं। अब चलिए इसका कुछ निम्नलिखित कारण है, तो अब कारण नंबर पहला दूसरा तीसरा करके लिखेंगे। कारण है उसके नीचे पहला, उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। दूसरा, इस दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब का आकार छोटा होता है। दूसरा में लिखेंगे, इस दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब का आकार छोटा होता है। और तीसरा लिखेंगे, यह दर्पण पश्च दृश्य के एक बड़े भाग को दिखाने में सक्षम है, तो सबसे पहला अगर कोई पूछेगा कि गाड़ी के जो साइड मिरर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है वो उत्तल दर्पण का ही इस्तेमाल क्यों किया जाता है, तो पहला उसका कारण है कि हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। और याद है आपको ना कि एम्बुलेंस पे उल्टा एम्बुलेंस क्यों लिखा रहता है, क्योंकि उस पर उल्टा है, जैसे ही उत्तल दर्पण के सामने वो जाएगा ना, जैसे मान लिया कि हम ड्राइविंग कर रहे हैं, पीछे से एक एम्बुलेंस आ रहा है, तो उसका एम्बुलेंस आगे के हेड पार्ट पे एम्बुलेंस जो है उल्टा लिखा रहता है, क्यों,
क्योंकि साइड में हम जैसे ही गाड़ी के साइड में देखेंगे कि ये क्या है तो एम्बुलेंस हमें यहाँ पे सीधा नजर आएगा और हम फिर उसको साइड देने में सक्षम हो पाएंगे। तो इसी यही कारण है, सबसे पहला कारण ये कि हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, दूसरा ये कि सबसे बड़ा भाग को, यानी कि मान लिया कि इतना बड़ा भाग है तो सब भाग को छोटा करके दिखाएगा, यानी बड़ा भाग को देख रहे हैं, पीछे से अगर बस ट्रक आता है तो पूरा का ट्रक आपको दिख जाएगा, ट्रक इतना बड़ा है लेकिन उत्तल दर्पण में उस ट्रक का साइज बहुत छोटा हो जाता है, यानी कि ट्रक का आकृति बड़ा को भी वो छोटा करके दिखाएगा। और फिर लिखे होंगे कि इसमें इसका बहुत आकार छोटा होता है, यानी कि आकार छोटा होता है और दूसरा बड़ा से बड़ा भाग को भी हमें उत्तल दर्पण में दिखा देता है। तो इस तरीके से हम लोग आज प्रश्न को किए और उसके पहले डायग्राम को भी देखें। तो आज तक के क्लास को यहीं तक खत्म करते हैं प्यारे छात्रों, और अगले क्लास में इसके बाद का जो टॉपिक्स होगा उसको हम लोग सीखेंगे। धन्यवाद प्यारे बच्चे, चलिए आइए चलते हैं हम लोग 9th क्लास CBSE की साइंस की क्लास को हम लोग आज क्लास पढ़ते हैं, जिसमें हम NCERT बुक को फॉलो करेंगे, यानी कि 9th क्लास CBSE वालों के लिए हम लोग साइंस की क्लास को स्टार्ट किए हुए हैं। तो चलिए, पिछले दिन हम लोग पढ़े थे साइंस के बारे में, साइंस के कितने टाइप्स होते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़े थे। अब उसके आगे की पढ़ाई को जारी रखते हैं। उसके आगे हम लोग ये समझेंगे कि जो हम लोगों का आवर बुक्स है, बुक्स किताबें हैं हम लोग की साइंस की, वो साइंस की बुक जो है वो कितने कितने टर्म्स में बटी हुई है, यानी कि उसमें कौन सा भाग फिजिक्स का है, कौन सा भाग केमिस्ट्री का है, कौन सा भाग बायोलॉजी का है, अब उसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, हम लोग कैसे पढ़ेंगे, कौन सा चैप्टर स्टार्ट होगा, इन्हीं सब बात को हम लोग देखेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कि हम लोग किताब में जो जो चैप्टर है वो कितने कितने पार्ट्स में है, कौन सा चैप्टर फिजिक्स में है पढ़ना है, कौन सा चैप्टर केमिस्ट्री में पढ़ना है और कौन सा चैप्टर बायोलॉजी में पढ़ना है, इन्हीं चीज को हम लोग देखेंगे।